टीवी जो है दोस्तों कभी कभी इतना परेशान कर देता है रिपेयरिंग में कि अच्छे अच्छे पुराने से पुराने इलेक्ट्रिशियन भी परेशान हो जाते हैं और अंत में किट को चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों सेम कंडीशन वाला टीवी मेरे पास भी आया है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसका चमक ज़बरदस्त है, वेलकम लिखा है, अच्छे से क्लियर दिख रहा है, कोई डार्क वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम लोग इसमें ऑडियो वीडियो लगाएंगे तो इसका स्क्रीन जो है ना हम लोगों को डार्क दिखने लगेगा। तो चलिए मैं इसको आपको लगा कर दिखाता हूँ। कलर एकदम डार्क दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है ना, बाल तो पहचान ही नहीं आ रहा है, काला जो है ब्लू दिख रहा है ना, और जो ये जिसका ओढ़ जो है एकदम ज़्यादा फीका लाल दिख रहा है, ये देख सकते हैं, जो नॉर्मल कलर कलर नहीं है इसका। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या, चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है रिसीवर से आता है, रिसीवर का मदरबोर्ड में जब प्रॉब्लम आता है ऑडियो वीडियो सॉकेट में तब ये वाला प्रॉब्लम आता है, या तो फिर रिसीवर का मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है तब आता है, या फिर दूसरा कंडीशन ये है लीड वायर ख़राब हो जाता है तब भी आता है ये वाला प्रॉब्लम, और तीसरा कंडीशन ये है जब ऑडियो वीडियो सॉकेट हमारा टीवी का, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑडियो वीडियो सॉकेट जब ख़राब हो जाता है तब भी ये वाला प्रॉब्लम आता है, या तो फिर ये वाला वायर में प्रॉब्लम रहता है तब ये वाला प्रॉब्लम आता है, और यहाँ पे अगर लूज कनेक्शन रहे ऑडियो वीडियो इसके कनेक्टर में तब भी ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों सभी चीज़ मैंने चेक कर लिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब फिर मैंने सारा का सारा वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज एकदम सही है, 5 वोल्ट इसमें आ रहा है, ए बी एल भी कम ज़्यादा हो रहा है, 2 से 3, 3 से 1, 2, 3 ऐसा करके ए बी एल में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है ना। उसके बाद मैंने ए बी एल का पूरा सर्किट चेंज कर दिया, तो देख सकते हैं मैंने ए बी एल का सर्किट पूरा लाइन से जितना भी सामान लगता है इसमें, यहाँ का कंडेंसर, नीचे कंडेंसर लगा है, और ये रजिस्टेंस है, उसके बाद ये वाला रजिस्टेंस है, और इधर जितना भी गया है पूरा सर्किट मैंने चेंज कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद लगा चलो हो सकता है एसटी ख़राब होगा, तो एसटी को भी चेंज कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम वही का वही हो। उसके बाद दोस्तों ये मॉड्यूलर को भी मैंने चेंज कर दिया, सॉरी मॉड्यूलर को भी लगा लिया, हो सकता है पावर सप्लाई में कुछ वोल्टेज एम्पियर वगैरह में कोई दिक्कत होगा, तो मॉड्यूलर भी लगा दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, मैंने सोचा इसको रिपेयर करना ही करना है, उसके बाद मैंने हाफ वाला सप्लाई भी लगा दिया, हो सकता है इस इधर का सर्किट में कोई ज़्यादा दिक्कत होगा। तो दोस्तों कभी कभी विचार आ जाता है ऐसे, आपके पास भी आता होगा जब कोई सर्किट नहीं बनता होगा ना, तो ऐसा विचार आता है, तो हम लोग सब बदल के देख देते हैं, तो मैंने इसको भी लगा लिया, यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद ये जो मेन आईसी है इसको भी अच्छी तरह से रिसोल्डिंग कर दिया, देख सकते हैं आप, अच्छे से रिसोल्डिंग कर दिया हूँ इसको भी, हो सकता है लूज कनेक्शन होगा ऐसे करके, तो यहाँ से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये सब पूरा प्रक्रिया करने में दोस्तों मेरे को टाइम लग गया कम से कम 2 घंटा। उसके बाद मैंने सोचा इसको रिपेयर करना ही करना है, तो मैंने इसको रिपेयर किया दोस्तों, इसका प्रॉब्लम मेरे को मिल गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको चालू कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों इसको मैंने पावर से ऑन कर दिया हूँ, रिपेयर नहीं किया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों इसमें चमक बढ़ गया है, अभी ऑडियो वीडियो लगाया था तो इसमें चमक कम था, अभी देखते हैं दोस्तों इसमें हम लोग एक मैं वीडियो का वायर, ये देख सकते हैं ये वीडियो का वायर है, इसको डायरेक्ट कहीं पर लगा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा आपको, थोड़ा देर रुकिए फिर कैसा आ जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको कि इसमें चमक आ चुका है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है वीडियो का पॉइंट, यहीं से दोस्तों हमारे टीवी पे वीडियो सिग्नल डीटीएस से टीवी में इन होता है। तो दोस्तों इस वाला ट्रैक को मैं आपको ट्रैक मिलाकर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये यहाँ से निकला, ये देख लीजिए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके बाद दोस्तों ये जा रहा है आईसी की तरफ, तो यहाँ पास भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी वीडियो के पिन को रखा, यहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ, यहाँ पास भी रखा, यहाँ पास भी कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सेम प्रॉब्लम है, यहाँ भी रखा दोस्तों, यहाँ भी कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे रखा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
तो दोस्तों इसका मतलब है ये वाला रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है, या ये वाला रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होगा तो यहाँ से एक ग्राउंड हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस ख़राब होगा। तो दोनों में से एक रेजिस्टेंस ख़राब होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ प्लस रखेंगे, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये इसको हम लोग चेंज कर देंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम का सॉल्व होना एकदम फिक्स है दोस्तों। तो इसको मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों, इसको ग्राउंड कर दिया है तो ये एक जीनर डायोड की तरह काम कर रहा है। हो सकता है दोस्तों अगर ये 60 होगा तो वीडियो के सप्लाई को उधर से ग्राउंड कर रहा होगा, इसलिए हमारा चित्र थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन रहा है। तो दोस्तों इसके साथ में देखिए जीनर डायोड भी लगा हुआ है, तो दोस्तों ये जीनर डायोड ख़राब हो सकता है मेरे मेरे ख्याल से। तो हम लोग अब इसको यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। अब हम लोग दोस्तों ये ऑडियो वीडियो को यहीं डायरेक्ट लगा देते हैं, अगर जीनर डायोड का समस्या रहा होगा तो हमारा समस्या ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर रजिस्टेंस से होगा। तो चलिए इसको मैं घुमा लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा वीडियो में चमक आ चुका है, और इतना ज़्यादा चमक आया है कि पूछो मत। तो हमारा प्रॉब्लम ठीक हो चुका है दोस्तों, जीनर डायोड इसमें ख़राब है, तो हम लोग दोस्तों उसकी जगह जीनर डायोड लगा देंगे, वो वाला जीनर डायोड की जगह ये वाला जीनर डायोड लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको सेम पीसीबी का पुराना वाला किट में का निकाला हूँ। तो दोस्तों ये वाला काम कर लेगा, क्योंकि ये पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम करेगा। तो देखिए दोस्तों इस फॉल्ट ढूंढने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन फॉल्ट मिल जाता है। कहते ना दोस्तों, समस्या एक तिजोरी है, सफलता का हथियार वहाँ ही मिला करते हैं। तो दोस्तों गुच्छे का आखिरी चाबी भी आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा जटिल वाला समस्या आता है तो आप परेशान नहीं हुआ करें, ढूंढिए, फॉल्ट मिल जाता है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है, दिमाग ख़राब हो गया तो छोड़ दीजिए, कल से फिर से एक नए दिमाग के साथ बैठिए, हो सकता है दोस्तों कल वो 10 मिनट में रिपेयर हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है दोस्तों, कई किट रिपेयर नहीं होता है तो मैं उस दिन छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट दिन फिर उसी किट से शुरुआत करता हूँ, या खाली पीली समय मिल जाता है तब उसको देखता हूँ, लेकिन रिपेयर करके देता हूँ, इससे दोस्तों कस्टमर बढ़ता है, और दोस्तों कस्टमर का खर्चा भी कम हो जाता है। अगर नया किट लगाएंगे तो इसमें हम लोग 1400 1500 1600 रुपये लेंगे, तो इसमें क्या कस्टमर का नुकसान हो जाता है और उसका मेन पीसीबी भी ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ये वाला जीनर डायोड लगा चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको चालू करके देखते हैं हमारा समस्या ठीक हुआ कि नहीं। हम लोग बगैर जीनर डायोड के चेक किए थे दोस्तों, लेकिन जीनर डायोड लगा के बाद अभी चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्क्रीन अच्छे से बनने लगा है, और जीनर डायोड लगाने के बाद यहाँ का झिलमिलाहट भी ख़त्म हो चुका है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इसको हम लोग आसानी से फिट कर देंगे, और इसका जो हम लोग हाफ सप्लाई लगाए हैं उसको भी निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है जीनर डायोड। ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा था दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ले लेता हूँ मीटर, मल्टीमीटर। ये 60 हो चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है मल्टीमीटर। तो दोस्तों आप लोग इसके कांटा पे नज़र बनाए रखना, ये है पॉजिटिव पॉइंट और ये है निगेटिव पॉइंट, और जीनर डायोड का इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड ठीक बताना चाहिए। देख सकते हैं मीटर घूम रहा है हमारा, पूरा घूम गया, देख सकते हैं। अब इसको हम लोग जब चेंज करेंगे दोस्तों तो नहीं घूमना चाहिए, जीनर डायोड का यही चेक करने का तरीका है, अगर सही रहता है जीनर डायोड तो नहीं घूमता। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी भी घूम रहा है। तो ये हो गया दोस्तों 60। अब चलिए मैं यहाँ किट पे बताता हूँ। तो ये है दोस्तों इसका वीडियो का पॉइंट, और दोस्तों यहीं पे लगा है ये जीनर डायोड, यहाँ से यहाँ।
तो दोस्तों यहाँ से सिग्नल आने लगता था जब हम लोग टीवी को चालू करते थे तब। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि हमारा जीनर डायोड शॉर्ट हो चुका था। तो यहीं से दोस्तों हमारा वीडियो सिग्नल इधर चला जा रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं जा पा रहा था क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहता है इसलिए काम नहीं करता है इतना। लेकिन यहाँ से हमारा आधा आधा से ज़्यादा इनपुट सिग्नल ग्राउंड हो रहा था, इसलिए दोस्तों शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट होने की वजह से हम लोगों को डार्क डार्क दिख रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा, सीखने को मिला होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों टीवी रिपेयरिंग से संबंधित मैं ढेर सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।